गुरुग्राम से ही बीजेपी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान आया, कहा यह चुनाव देश निर्माण का चुनाव है। भाजपा अंत्योदय का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। हर गरीब आदमी को ध्यान में रखकर भाजपा ने काम किया है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए जनता का सहयोग मांगा है राव इंद्रजीत सिंह ने। गुरुग्राम से भाजपा ने एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह पर भरोसा दिखाया है। देखो, डेवलपमेंट तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेशुमार करी है। हरियाणा हटा नहीं है उससे पीछे, हरियाणा का दक्षिणी एरिया भी हटा नहीं है पीछे। जिस तरह से हाईवेज बने हैं, जिस तरह से चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, छोटे से छोटे आदमी के लिए कोई ना कोई स्कीम्स बनाई गई है। हमारे मैनिफेस्टो में भी यही आया है कि जो सबसे आखिरी लाइन के अंदर खड़ा हुआ बंदा है उसके लिए योजना बनाई जाएंगी। और लक्ष्य ये है कि 2047 के अंदर भारतवर्ष एक विकसित देश बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 को धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ भाजपा की बंपर जीत का दावा किया है बल्कि विरोधियों को भी जमकर आड़े हाथों लिया है। पर लगातार वोट मांग रही है पार्टी, खुद की जो उपलब्धियां हैं उनको नहीं गिनवाते हैं। नहीं, हम तो नहीं राम के नाम के ऊपर वोट मांगते, परंतु वो भी देश को ये बताएं, 60 साल देश के ऊपर शासन किया, उन्होंने कहीं मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी हो, उन्होंने कोई एक शब्द ये कहा हो कि हमारी सरकार आएगी, हम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, तो हम बात नहीं करेंगे। वो बता दें देश को। परंतु अगर वहाँ के ट्रस्ट के, अरे भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन गया और वहाँ के ट्रस्ट के पदाधिकारी निमंत्रण देने के लिए आते हैं, उस निमंत्रण को भी ठुकराते हैं और फिर इस प्रकार की बातें करते हैं कि इस देश के अंदर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, तो वो देश को किस दिशा के अंदर ले जाना चाहते हैं? धर्म के आधार के ऊपर अगर ये कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं, या धर्म के आधार के ऊपर बांटने का काम कर रहे हैं, या जातियों के अंदर जातियां बनाने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी कभी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, उनका एक बात रहता है, वो ये बात बोलते हैं कि इस देश के ऊपर, सब संसाधनों के ऊपर इस देश के सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है, उसको मिलना चाहिए सबसे पहले। ये बात नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। कहीं बीजेपी के अंदर भी हल्का फुल्का सुर देखने को मिले नेताओं के, कि वो चाहे अनिल विज का नाम लें, ओम प्रकाश धनखड़ का नाम लें, रामविलास शर्मा का नाम लें, कैप्टन अभिमन्यु का नाम लें, वेदपाल जो आपके महामंत्री रहे उनका नाम लें, कुछ सुर ऐसे देखने को मिले, कुछ लगता है आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सभी काम कर रहे हैं मजबूती से। रामविलास शर्मा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अभी बड़ी रैली उन्होंने की। धनखड़ जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, अभी उन्होंने रैली की, मैं गया उस रैली के अंदर। अनिल विज जी ने कल की रैली रखी है, कल 1 तारीख को नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के ऊपर कैंट में ही रैली रखी है। अनिल विज जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बड़े सुलझे हुए नेता हैं। कोई नाराजगी है उन्होंने? नाराजगी नहीं है किसी प्रकार की, मिलकर के हमने उनके आशीर्वाद से, मैंने कहा भी है कि हमारे ये बड़े व्यक्ति हैं, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, जब से मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना था मैं तभी से एक बात बोल रहा था कि हमने बड़ों का आशीर्वाद लेना है और जो हमारे बराबर के हैं उनको साथ लेना है और जो हमारे से छोटे हैं उनका सहयोग लेना है और हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाना है, और उसी सोच के आधार के ऊपर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। 4.5 साल तक आपके साथ रहे, अब वो लगातार आपके ऊपर वार करते हुए नजर आते हैं कि ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, मंडियों में नायब सैनी के लोग हैं, लेकिन जिस तरह से घोटालों की अगर बात करें तो आपने पहले भी कुछ कहा है कि जांच की बात कही है, क्या कहना चाहते थे? नहीं देखिए, मैंने जांच की विषय नहीं कहा, मेरे से पत्रकारों ने ही सवाल किया था कि उन्होंने आपके ऊपर कोई टिप्पणी की है, ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। मैंने कहा जी मेरे को तो पता नहीं है भ्रष्टाचार में कहाँ से या कहाँ नहीं है, हमारे हम तो एक बात तो जानते हैं सीधी, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कोई भी व्यक्ति है, हम इसके अंदर कोई दबने वाले नहीं है, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा, भ्रष्टाचार में पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और
उनके ही विधायकों ने, मैंने ये कहा था, भी हमने नहीं कहा है, उनके विधायकों ने इसके ऊपर उंगली उठाई है, हमने नहीं उठाई। तो पत्रकार मुझे कहने लगे कि क्या आप कार्रवाई करेंगे, अगर कोई हमारे को कहेगा तो हम करेंगे। तो अगर मेरे को आके कोई कहता है भी भाई ये इसकी शिकायत है और ये इसने गलत किया है, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, तो फिर हम विचार करेंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल लगातार कह रही है कि कांग्रेस जो ये हमारे साथ आए, करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं नायब सैनी, हम संयुक्त उम्मीदवार उतारेंगे, हम हरा देंगे, कैसे देखते हैं ये? तो INLD के नेता तो पिछले लंबे समय थे, जब भी चुनाव आता है ये महागठबंधन की बात लग जाते हैं करने, क्योंकि अपने में मैंने जो बात कही है कि ये जन का विश्वास खो चुके हैं, इनके अब व्यक्ति तो रहे नहीं है, अब तो इनके साथ कुछ व्यक्ति जो हैं वो रह रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करके, कोई किधरी से निकल जाता है, कोई किधर से निकल जाता है, और आने वाले समय के अंदर स्थिति और भयानक होने वाली है, और कई जगह तो ऐसी स्थिति होगी कि प्रचार के लिए कैंडिडेट भी शायद ना जाए, ऐसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि नीचे से रिस्पॉन्स नहीं कोई दे रहा गलत नीतियों के कारण इनकी, INLO की जो शासन रहा है उस शासन के बारे में देखा है लोगों ने किस प्रकार का शासन रहा है, और अब ये एक माहौल बनाना चाहते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर उसको हराने का काम करेंगे, कर लो जो भी इकट्ठे, इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। अरे मोदी जी ने जो काम किए हैं, मनोहर लाल जी की सरकार जो गठबंधन के अंदर रही है, जबरदस्त काम किए हैं, और आज ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर के हम कुछ करेंगे। आज कांग्रेस का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है कोई, आप देखना बहुत सारे इसके अंदर भी इन्होंने टिकट तो थमाई दिए, किसी को पकड़ गए इधर उधर से, टिकट तो दे दिया, अब वो भी इधर उधर बाजने वाले हैं। करनाल की जनता कितना विश्वास आपके अंदर देखेगी? नहीं देखिए, मैं वहाँ ग्रीवेंस का चेयरमैन भी रहा हूँ, मेरी कार्यशैली के बारे में लगभग लोग जानते हैं, और आज तक जो भी कोई भी व्यक्ति आया मैंने कभी किसी को पूछा नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन से दल से आए हैं। नहीं तो कांग्रेस के समय में तो ऐसा था, अगर कोई काम को चला जाता था पहले तो उसकी स्क्रीनिंग करते थे भी कौन है कौन नहीं है, कौन सी पार्टी का है, हमने फोन करना भी है नहीं भी करना, परंतु हमने जो भी आया है उसका काम किया है, और यही सोच मोदी जी की है, यही सोच मनोहर लाल जी की है, और इसी कारण से बड़ा विश्वास लोगों का सरकार के ऊपर बढ़ा है। हम तो देखते हैं हरियाणा के अंदर 2014 से पहले तो कुछ नहीं था, गठबंधन में हम चुनाव लड़ते थे, परंतु आज स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन